हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो है, एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है, हम आपको देंगे फिल्म की ट्रेलर का रिएक्शन इस वीडियो के अंदर, और जो कि मूवी का नेम है मिसिंग, और मूवी का हम देखेंगे ट्रेलर और जो कि और उसमें हम देंगे आपको अपना रिएक्शन। पहले हम देख लेंगे मूवी का ट्रेलर और जो मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस फिल्म और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। आखिरी बार दिल्ली को कब देखा था आपने? सवेरे 4 बजे, उसे बहुत तेज बुखार है, रात भर नींद से जागती रहती है, तो मैं भी सो नहीं पा रही थी, लेकिन पता नहीं कब और कैसे मेरी ऐसी आग लग गई कि मर्सन पुलिस फोर्स, क्या नाम है बेटी का? दिल्ली, नीले स्ट्राइप्स का नाइट सूट पहना है उसने, और 3 साल की है, लेकिन पानी से बहुत डरती है वो। क्या आपको लगता है तितली को किसी ने किडनैप किया है? हाँ वो है। कहाँ से आया? रॉड्रिगेज आइलैंड से। प्लीज शो मी द टिकट्स। दो टिकट क्यों है? इज इट इलीगल? इट इज इलॉजिकल। लेकिन आप आए क्यों हैं यहाँ पे? ये टिकट और रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं। जब मैं मिस्टर मिसेस दुबे से बातचीत कर रहा था, तो मिसेस दुबे के इमोशंस बहुत ऑब्वियस थे। आपको भी गुस्सा आता होगा जी? हाँ, नहीं गुस्सा नहीं, लेकिन मिस्टर दुबे किसी और उलझन में उलझे हुए थे। आई न्यू इट, समथिंग वाज रॉन्ग समवेयर। हाय हनी, क्या टाइमिंग है यार। वो तो दिल्ली का मुझसे ज्यादा चाहते हैं। मामाज गो और पापाज गो, यही कहते रहते हैं हमेशा। मिस्टर दुबे के बारे में आपकी क्या? मेरा बीवी में बनती नहीं है सर। नो मैरिज इज परफेक्ट। रात को 2 बजे रिजॉर्ट से बाहर के लिए थे। इट्स नॉट योर बिजनेस। मिसिंग। अब इसको कैसे बोलूंगी? जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और हम बात करेंगे इस मूवी के हवाले से और फिर इस ट्रेलर के हवाले से। और ये फिल्म जो है इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुकुल अभ्यंकर ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल भाटाइया ने, शबाना रजा बाजपाई ने, विक्रम मल्होत्रा ने, श्री अधिकारी ब्रदर्स ने, आनंद पंडित ने, रूपा पंडित ने, संदीप संधिलिया ने। और जो कि इस फिल्म में स्टार्टिंग में, जैसे कि आपको ट्रेलर को देखने के बाद ही आइडिया हो गया होगा कि तब्बू हैं, मनोज बाजपाई हैं और अन्नू कपूर हैं। और इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो दी है संदीप चतर जी ने। और जो कि आपने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर, हम बात करते हैं मूवी के ट्रेलर के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाला मूवी का ट्रेलर था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने वाला था। मैं तो ट्रेलर में बिल्कुल ही गुम हो गया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा होगा ट्रेलर। ट्रेलर बहुत ज़्यादा जो मूवी का दिखाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गहराई में जाकर दिखाया गया है कि बंदा जब ट्रेलर को देखेगा तो फिल्म को देखने की दिलचस्पी और ज़्यादा पैदा हो जाएगी, और काफ़ी सारे सवाल दिमाग में उठेंगे कि जो मतलब बेटी का दिखाया गया गुम हो गई 3 साल की, वो किस तरह से किडनैप हो गई, गुम हो गई, या उसका मर्डर हो गया, या हस्बैंड ने कुछ किया, या फिर क्या हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर था, या फिर ऐसा क्या हुआ, या जो कुछ भी। तो काफ़ी सारे सवाल जवाब दिमाग के अंदर घूम रहे, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ये वो। तो काफ़ी ज़्यादा
दिलचस्प ट्रेलर मुझे लगा और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प, यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जो कि मूवी की तरफ लोगों को खींच के माइल करेगा और कि ताकि लोग इस मूवी को जाकर देखें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो फिल्म की कास्ट है वो तो सुपर कास्ट है। तब्बू की एक्टिंग के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत ही वर्सेटाइल और यूनिक एक्ट्रेस हैं। हर तरह के उन्होंने काम किए हैं और जहाँ भी जिस हिसाब से वो काम करती हैं वो काम छा जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया। और मनोज बाजपेयी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही कमाल के मंझे हुए सुलझे हुए कलाकार हैं। और अनु कपूर जो हैं बहुत कम काम करते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि जो है कि उसकी छाप बरसों तक रहती है। और बहुत ही ये भी कमाल के एक तरह से एक्टर हैं और बहुत ही आला किस्म की इनकी परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ डीप बिल्कुल काम करते हैं। तो बहुत ही यह कह सकते हैं इस फिल्म की जो मेन लीडिंग कास्ट है वो इतनी ज़्यादा सुपर बहना कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर एक्ट्रेस इसकी मूवी की कास्ट है। तो आप सोचिए अब इसका स्क्रिप्ट और डायलॉग और पूरी फिल्म की कहानी जो दिखाई गई है ट्रेलर में, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसके सॉन्ग्स वगैरह बाकी सब रिलीज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा तो कितनी ज़्यादा गहरी और कमाल की होगी और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जो कि फिल्म के ट्रेलर को और कास्ट को देखने के बाद ही पता चल रही है कि ज़बरदस्त इतनी जब कास्ट है तो मूवी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। बहुत ज़्यादा सस्पेंस और जो कि थ्रिल और जो कि इस तरह की मतलब लग रही है मूवी, दिलचस्पी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। जैसे ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी सारे सवाल जवाब जो दिमाग में घूम रहे हैं वो पैदा कर रहा है और जिसकी बिना पर लोग इस फिल्म को देखेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कास्ट ज़बरदस्त है और स्टोरी फिल्म की बहुत मज़ेदार किस्म की लग रही है, सस्पेंस क्रिएट करने वाली, जो कि मूवी इस तरह की मूवीज़ होती हैं कि बंदा पूरी मूवी बैठ कर देखे, इधर उधर हिले ना ताकि ध्यान ना बटे और फिल्म की कहानी पलट जाती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ऐसी फिल्म है ये कि आप पूरी बैठकर देखेंगे और आपका मतलब ध्यान बटेगा भी नहीं कि आप इधर उधर उठकर चले जाएं या कुछ खा लें पी लें या कुछ कर लें। तो ऐसी दिलचस्पी ये पैदा करेगी जब आप फिल्म देखेंगे, ट्रेलर को देखने के बाद आइडिया हो रहा है कि ये पूरी मूवी आप देखेंगे और बिना हिले जुले, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेलर यूनिक, डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग किस्म का और दिलचस्पी पैदा करने वाला है। और फिल्म की कास्ट और सब कुछ बहुत ज़्यादा सुपर परफेक्ट लग रही है, जो कि फिल्म भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैंने आपको दिया शॉर्ट रिव्यू इस ट्रेलर और इस फिल्म के हवाले से। आप भी हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।